हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शुभम कंप्यूटर क्लासेस। दोस्तों, कमेंट में बहुत सारे लोगों ने, मित्रों ने कमेंट किया कि हमें कोरल ड्रॉ पे बैनर पोस्टर डिज़ाइन करना बताइए। जैसा कि मैंने पिछले दिनों में एमएस वर्ड क्लास ओपन किया था तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, सर आप वो वीडियो डालिए जिसमें कोरल ड्रॉ हम और अच्छे से सीख सकें। तो चलिए, आपकी फरमाइश के अनुसार पे और इस चैनल के डिमांड पे हम आपको आज सिखाते हैं बैनर डिज़ाइन करना। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज के क्लास को करते हैं स्टार्ट और अपना प्यार इस चैनल के साथ बनाए रखिए। तो सबसे पहले बैनर डिज़ाइन करने के लिए हमें साइज़ लेना कंपलसरी होता है। आज मैं बताऊंगा कि कैसे आप गारमेंट्स के शॉप के लिए बैनर डिज़ाइन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहां से जाते हैं, इंचेस की जगह इसे फिट में करेंगे और फिट में साइज़ ले लेते हैं। यहां से साइज़ लेंगे 10 और 4। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 10 और 4 का साइज़ आ गया है। आप नेट से इस तरह के इमेजेस निकाल सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा कि कैसे आप इमेज को निकालते हैं, कैसे उन सब चीज़ों को सेट करते हैं। तो जैसा कि मेरे पास स्क्रीन पे आप यहां पर देख सकते हैं, ये साइज आ गया है। यहां पर लेते हैं रेक्टेंगल टूल पर और डबल क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये इस पर साइज आ गया है। अब मैं इसमें कलर दे के कुछ बैकग्राउंड बनाना चाहता हूँ तो बना सकता हूँ, लेकिन आज कुछ डिफरेंट करते हैं। जैसे हम इसे सेलेक्ट करते हैं, इस साइड लाते हैं और छोड़ने से पहले करते हैं राइट क्लिक। तो इस तरह से ये आ गया है। अब इसी को हम फ्लिप कर देंगे, छोड़ने से पहले करते हैं राइट क्लिक और इस प्रकार से कंट्रोल आर हम प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये बहुत सारा बॉक्स आ गया है। इन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर इस तरह से इसे हम ला कर मिला सकते हैं। तो सब आप देख सकते हैं, जितने भी आपने बॉक्स लिया होगा सब एक तरह के और एक अलाइनमेंट में सारी चीज़ें आ गई हैं। अब इनमें कलर फिल कर देते हैं। तो इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस तरह से एक एक को सिलेक्ट करते जाएंगे और कलर फिल करते जाएंगे। इसे सेलेक्ट करते हैं, इस तरह से कलर को हम फिल कर देंगे। जो भी आपको कलर पसंद हो आप यहाँ पे इस तरह से कलर को फिल कर सकते हैं। आप इधर से भी कलर को ले सकते हैं, जो भी आपको कलर पसंद हो। ज़रूरी नहीं कि आप इधर से ही कलर लें, आप इधर से भी कलर को लेके यूज कर सकते हैं। तो जैसा आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको कलर पसंद आए तो आप उस कलर को यहाँ पर लेकर यूज में ला सकते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अलग अलग बॉक्सेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से इसमें कलर फिल करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन सब में हमने यहाँ पे कलर फिल किया। और कोई कलर यदि आपको और भी पसंदीदा कलर आपका होगा तो आप उन्हें फिल कर सकते हैं। अब मैं एक साथ सभी को सिलेक्ट करूँगा और इनके आउटलाइन को यहाँ से हटा देता हूँ और उसके बाद कंट्रोल जी से ग्रुप कर देता हूँ, जिससे कहीं पर भी ये हमारा मैटर जाएगा तो सब एक साथ में ही जाएगा। अब यदि हमें पेज पे फिर से वापस लाना है तो कंट्रोल जेड कर देते हैं, या बहुत आगे स्टेप चले गए हैं तो उसके लिए आप केवल पी प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आकर सेंटर में हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इन सब मैटर को सेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फर्म का नेम रहेगा, जैसे रेखा कलेक्शन है, तो इससे हम शिफ्ट F3 के द्वारा चेंज केस कर देते हैं। यहाँ पर हम इस मैटर को ले लेंगे और इसे हम छोटा बड़ा जैसे भी करना चाहते हैं इधर से कर सकते हैं। फॉन्ट की स्टाइल को चेंज करना है आपको, यहाँ पे कोई अच्छा खूबसूरत फॉन्ट होगा लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ से रेनफ्री फॉन्ट लगा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये फॉन्ट आ गया है। अब इन सब इमेजेस को भी सेट करेंगे। तो यहाँ से हम इन सब इमेजेस को लेंगे, कंट्रोल होम कर देते हैं जिससे इमेजेस ये ऊपर की ओर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कितना आसान है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप इन सब चीज़ों का डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इमेज भी हम लोग ले लेते हैं। यदि इस तरह का है तो हम इसको कैसे सेट करेंगे इस इमेज को भी बता देते हैं। जैसे हो सकता है ये बहुत सारा इमेज आपका PNG ना हो, तो उन्हें कैसे सेट करते हैं इसमें हम लोग जानेंगे। अब इसे इस साइड हम मिरर कर देते हैं तो, और यहाँ पे इसे हम सेट करते हुए चलते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने कैसे इमेजेस को सेट किया हुआ है। तो इसी प्रकार से आप सभी मैटर को सेट करते हुए चलते रहेंगे और यहाँ पर ये मैटर आपका सेट होता रहेगा। अब एक लास्ट इमेज हमारा बचता है, ये जो आप देख रहे हैं इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड है, तो इसको हम कट करेंगे। कट करने के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं इलिप्स टूल और इलिप्स टूल के द्वारा एक शेप को इस तरह से कर देते हैं ड्रॉ। ड्रॉ करने के बाद हमें बस थोड़ा सा हिस्सा इस इमेज का चाहिए, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं और इसमें पावर क्लिप कर देंगे। तो पावर क्लिप करने के लिए आपको जाना होता है इफेक्ट मेन्यू और यहाँ से आपको लेना होता है पावर क्लिप। यहाँ से करेंगे प्लेस इनसाइड फ्रेम और यहाँ पर हम कर देते हैं क्लिक। तो ये पावर क्लिप के अंदर मैटर हमारा चला गया है। अब इन्हें आप अच्छे से सेट कर सकते हैं और इनके आउटलाइन को हटाना है तो आप यहाँ से हटा सकते हैं।
ड्रॉप शैडो का यूज कर लेते हैं, इसे सिलेक्ट करेंगे और ड्रॉप शैडो यहाँ पर इस प्रकार से हम दे देते हैं। हो सकता है ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये जब लग जाता है तो और भी खूबसूरत आपका डिज़ाइन लगने लगता है। और बाकी के मैटर को भी हम सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इन सब मैटर को सेट कर लेते हैं, जो हमारे पास डिटेल है कि क्या क्या सेल होता है। यहाँ पे कंट्रोल ए शिफ्ट एफ थ्री और यहाँ से हम लोग टाइटल केस लगा देते हैं। तो इस तरह से ये टाइटल केस हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग लाइन को कर देते हैं ड्रॉ और इसमें कलर फिल कर देते हैं वाइट कलर। अब इस कलर में यदि आप मिक्स करना चाहते हैं तो इंटरेक्टिव फिल टूल का इसमें यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रेस करना होता है जी, जो शॉर्टकट है इंटरेक्टिव फिल टूल का। यहाँ पे आने के बाद हम कर देते हैं इसे रिडायल और यहाँ पे हम लोग कोई और कलर यहाँ पे इस तरह से दे सकते हैं। सेकंड कलर में हमने ये कलर दे दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिल्वर कलर थोड़ा इफेक्ट आ जाएगा इसमें, और इसके आउटलाइन को यहाँ से हटा देते हैं। इसी प्रकार से हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 कॉलम है तो हम इसे 8 कॉलम कर देंगे। तो उसके लिए इसे लाते हैं और छोड़ने से पहले करते हैं राइट क्लिक और कंट्रोल आर से इसे रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं कितने हो गए हमारे पास, लास्ट में 7 हैं और एक कर देते हैं कंट्रोल आर से रिपीट, ये 8 हो गए हैं। इन्हें आप इस तरह से छोटा बड़ा जैसा भी आपको करना हो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ से लेते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी लेने के बाद इधर से थोड़ा सा मैटर हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे। तो इस तरह से मैटर को आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो आप इसे ट्रांसपेरेंट कर लें। अब मैटर को यहाँ पर लाएंगे, कंट्रोल होम कर देते हैं जिससे ये टेक्स्ट हमारा सब ऊपर की ओर आ जाए। अब इनको साइज में बड़ा कर देते हैं और हम फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से फ्यूचुरा एक खूबसूरत फॉन्ट होता है, तो इस फ्यूचुरा फॉन्ट को लगा लेते हैं। कलर चेंज करना है तो यहाँ से रेड कलर लगा देते हैं। और उसके बाद सभी मैटर को शेप टूल के द्वारा इस प्रकार से इसे ड्रैग करते हुए हम सेट कर देते हैं। तो ये हमारा मैटर जो रहेगा बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा, जिन्हें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद एक साथ इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे, शिफ्ट के द्वारा इस बॉक्स को जो आपने पेज लिया है सेलेक्ट करते हुए ई प्रेस करेंगे, जिसका मतलब होता है वर्टिकली सेंटर। तो देखा दोस्तों ये कितना आसान है। अब मेरे पास ये मैटर पड़े हुए हैं, इन्हें भी हम सेट करेंगे। तो हम यहाँ पर नेम को सेट कर सकते हैं। तो नेम को सेट करने के लिए यहाँ से ले लेते हैं पॉलीगन शेप और यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे इस तरह से मैटर को कर देंगे ड्रॉ, या यदि आप और कोई तरीका है आप उसे अच्छे से सेट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इन्हें हम यहाँ पे इस तरह से बड़ा कर देते हैं और उसके बाद यहाँ से लेते हैं रेक्टेंगल शेप और शेप को इस प्रकार से करते हैं ड्रॉ। इनके कॉर्नर को थोड़ा रोटेट कर देंगे, इसमें कलर को ही फिल कर देते हैं और इनके नीचे के हिस्से को और भी बड़ा कर देते हैं इस तरह से। इसमें कोई कलर फिल कर देते तो यहाँ से येलो कलर लगा देते हैं और इन्हें और भी बड़ा हम कर सकते हैं। और मैटर को सेंटर कर देंगे, सी प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेंटर हो जाएगा। इनके आउटलाइन हटाने के लिए कट मार्क पे करते हैं राइट क्लिक, जिससे आउटलाइन यहाँ पे हट जाता है। तो देखा दोस्तों ये कितना आसान है और आसानी से हम इन सब चीज़ों को सीख रहे हैं। कंट्रोल होम से मैटर को करेंगे ऊपर और यहाँ से हम मैटर को कर देते हैं सेंटर। इसमें कलर वाइट कर देंगे और इनके साइज को आप अपने मन से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा रहे। बाद में आप फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। यहीं पे लेते हैं प्रोडक्ट स्टार्टिंग, जो भी आपके रेट हैं स्टार्टिंग रेट आप वहाँ पे लिख सकते हैं। शिफ्ट एफ थ्री, चेंज केस कर देते हैं इस मैटर को। यहाँ पे हम इसके साइज़ को और बड़ा कर लेंगे। बोल्ड करना है, इटैलिक करना है तो भी आप इधर से कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पर लेते हैं इस मैटर को और भी इनके साइज़ को हम बड़ा कर देते हैं। कंट्रोल होम से ऊपर कर देते हैं और कोई अच्छा फॉन्ट लगा देते हैं। तो मेरे पास एक खूबसूरत सा फॉन्ट है, हो सकता है आपके कंप्यूटर में भी हो, जिसका नाम है इम्पैक्ट। अब एड्रेस आपको देना है तो हम एड्रेस दे देते हैं, जैसे यहाँ का कोई पास का एड्रेस दे देते हैं कबीर नगर। इसे भी टाइटल केस में कर देते हैं और उसके बाद यहाँ से करेंगे मैटर को हम सेट। यहाँ पर छोटा सा एड्रेस लिख देते हैं, वाइट कलर कर देंगे और इन्हें बोल्ड कर देते हैं। आपको मोबाइल नंबर लिखना है तो हम ऊपर मोबाइल नंबर लिख देते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों ये मोबाइल नंबर भी सेट हो गया है। अब बहुत ज़्यादा ये यदि विजुअल नहीं है तो आप इसको आउटलाइन भी लगा सकते हैं। इन सब मैटर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम कर देते हैं पावर क्लिप, तो ये मैटर हमारा सेट हो जाएगा। अब जूम करके आपको फुल स्क्रीन दिखा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितना आसान है। इस तरह के डिज़ाइन आप बहुत ही कम समय में और आसानी से और अच्छे तरीके से बना सकते हैं।
उम्मीद करते हैं कि आज के क्लासेस में आपको सीखने को मिला। इसी तरह से और भी नए नए क्रिएटिविटी आप खुद से कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एक इमेज लगाया है, आप चाहें तो दो इमेज लेकर भी यूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना खूबसूरत बनाते हैं। तो ऐसे ही आगे की वीडियो में हम लोग और भी जानेंगे कोरल ड्रॉ के बारे में, और भी नई नई चीज़ों को सीखेंगे। तब तक आप इस चैनल से जुड़े रहें, सीखते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।